जय श्री राम। दोस्तों ये बात तो हम सबको पता है कि प्रभास भाई का रिसेंटली जन्मवार यानी कि जन्मदिन गया है। ऐसे में प्रभास भाई की तीन बड़ी फिल्में जो कि 2023 में आने वाली है उनके बारे में डिस्कशन हुआ, जैसे कि आदि पुरुष, जैसे कि सलार, जैसे कि उनकी दीपिका पादुकोण के साथ प्रोजेक्ट के। अब आप लोगों को बता दूं तो आदि पुरुष के मेकर्स ने प्रभास भाई के बर्थडे पर अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधार दिया है। जी हाँ, एक नए पोस्टर के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धनाधन कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रभास भाई जो हैं उनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है आदि पुरुष, जिसे इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। सबसे पहले तो अरे भाई, राम भगवान को मूछे कौन देता है, सबसे बड़ा सवाल। फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि उनके चेहरे पर इस तरीके का एक क्रोध भाव ये शोभा नहीं देता। उन वो लेदर के कपड़े पहन रखे हैं, ये क्या बात हुई। और प्लस उनका जो अंग रखा है यानी कि जो वस्त्र पहना है वो तो ऑरेंज है ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने तपस्वी का रूप धारण किया था, संत बन गए थे वो उस वक्त, तो ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है उस चीज को। अब मेकर्स ने प्रभास भाई के बर्थडे पे एक नया पोस्टर निकाला है जिसपे उन्होंने साफ तौर पे, आपको बताना चाहता हूं, साफ तौर पे फिल्म को एक सही दिशा देते हुए, फिल्म को एक पॉजिटिव लाइमलाइट देते हुए जो इमेज दिखाई है वो सचमुच में ग्रेट लग रही है। सबसे पहले तो प्रभास जी का जो चेहरा है उसमें थोड़ा सा लालिमा कर दिया है, यानी कि उसको थोड़ा सा मधुर दिखाया है, हैंडसम नहीं बल्कि मधुर दिखा दिया है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि वो जो लेदर वाला जो बेल्ट इस तरीके से लटका रखा था और हाथों में लेदर के जो ग्लव्स टाइप्स के पहन रखे थे, वो दोस्तों कपड़े के लग रहे हैं। जी हाँ, अगर आप उस पोस्टर को ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो लेदर से रिप्लेस करके वो कपड़ा बना दिया है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं तो जो अंग रखा था जो ऑरेंज कलर का था, उस ऑरेंज कलर का नहीं था सॉरी, तो उसे जो है ऑरेंज कलर का बना दिया है। और यहां पर तपस्वी राम, जी हां हमारे जो श्री राम जी हैं, उनका इस तरीके से भव्य रूप दिख रहा है। जैसे ही मैंने देखा मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मैंने कहा कि तुरंत इस पर वीडियो बनाओ और आप लोगों को इस बात की जानकारी दे दूं कि अब फाइनली आदि पुरुष के जो मेकर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सीख ली है और आदि पुरुष के मेकर्स कहीं ना कहीं अब इस वक्त अपनी पुरानी गलतियों को सुधार रहे हैं। पोस्टर देख के तो ऐसे ही लगा दोस्तों। वैसे आपको बता दूं दोस्तों तो इसके VFX को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हैं और कहा जा रहा है कि नल्ला VFX है, 500 करोड़ वेस्ट हो गए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्या पता ट्रेलर में हमें साफ चीजें नजर आ जाए। वेल होप फॉर द बेस्ट। आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।